तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इन जेयर कॉलेज। आप सभी का खूबसूरत से चैनल पे आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग आपके लिए टू शॉर्ट सीरीज लाए हैं। हर एक चैप्टर के आपको दो वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर कर दिया जाएगा। सही बात है, तो ऑलमोस्ट आपके सारे डाउट्स तो क्लियर हो गए होंगे, जो भी एटलीस्ट जो चैप्टर्स की वीडियो आपको आ गए होंगे अभी तक, फर्स्ट से लेकर थर्ड तक। ठीक है, अब आपने अगर जनरल देखा होगा, अगर आपको जनरल करना अगर आ गया तो आपके लिए लेजर कुछ नहीं है। जो हमारा फोर्थ चैप्टर है लेजर, तो लेजर हमारे लिए कुछ भी नहीं है अगर आपको जनरल आता है तो। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जनरल देखा था, जनरल में किस तरीके से पोस्टिंग किया जाता है, किस तरीके से अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, वो हम लोग ने देखा था ट्रायल बैलेंस के ऊपर। ठीक है, आज के इस वीडियो में जो हमारा चैप्टर नंबर फोर है, तक्स का नाम है लेजर। अब लेजर क्या होता है, किस तरीके से होता है, इसमें क्या करना होता है, ठीक है, ये हर एक चीज के ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले। सही बात है, चलो तो यहाँ पे देखो हमारा लेजर चैप्टर नंबर फोर टू शॉर्ट सीरीज है, पार्ट वन का ये वीडियो है, स्टैंडर्ड 11th के लिए है, सब्जेक्ट हमारा बीके है। ठीक है, कोई डाउट चलेगा एंसर करो इसके ऊपर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखना है लेजर क्या होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो भी हम पूरे साल में ट्रांजेक्शन करते हैं उसका हमने क्या करते हैं, जनरल प्रिपेयर करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि उस जनरल में कितने कैश आए हैं तो आपको क्या करना होगा, जनरल को चेक करना होगा ना, एक कैश, दो कैश, तीन कैश, चार कैश। अब जब काउंट करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, बट उससे उतना आपको मेहनत ना करना हो इसके लिए हम लेजर प्रिपेयर करेंगे कि भाई सबका एक अपना घर होगा, सबका एक अपना घर होगा, सबका एक अपना पर्सनल अकाउंट होगा। अगर मैं एक बात करूं कैश का, तो कैश का एक अकाउंट होगा जिसमें कितने भी कैश आ रहे, जितने भी कैश जा रहे, वो आपको वहां पर रिकॉर्ड करना है हमारे कैश अकाउंट में। फिर आपने अगर किसी से सामान उधारी में लिया है, किसी से सामान आपने क्रेडिट में लिया है, तो आपको उसको अकाउंट में शो करना, मतलब सबका एक क्या होगा, पर्सनल घर होगा। ठीक है, सबका एक पर्सनल अकाउंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ट्रायल बैलेंस आपको दिया जाएगा एग्जाम में, ट्रायल बैलेंस के बेस पे आपको जनरल प्रिपेयर करना और जनरल को देख के लेजर प्रिपेयर करना। लेजर में सिर्फ इतना होता है कि भाई जितने भी कैश से ट्रांजेक्शन होंगे वो कैश अकाउंट में होंगे, जितने भी बैंक से ट्रांजेक्शन होंगे वो बैंक अकाउंट में होंगे, जितना भी आप परचेस करोगे वो परचेस अकाउंट में होंगे, जितने भी आप सेल्स करोगे वो सेल्स अकाउंट में होंगे। मतलब सबके लिए पर्सनल अकाउंट होगा, सबके लिए एक खुद का अकाउंट होगा, जिससे क्या होगा आपको मालूम पड़ेगा कि भाई मैंने सेल्स इतने का किया, मैंने परचेस इतने का किया, मेरे पास कैश इतना आया, मैंने डिपॉजिट इतना किया, मैंने इससे इतना सामान लिया, इसको इतना सामान दिया, ये सारे चीज़ों का रिकॉर्ड आपको प्रॉपर होगा। अगर आपको किसी ने बोला कि आपने कितना कैश किया, कितना कैश है आपके पास, आप तुरंत लेजर खोलोगे आपको फाइनल अमाउंट दिख जाएगा। सही बात है ना, जनरल में क्या करना होगा, काउंट करना होगा एक दो, क्योंकि आप जनरल प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आप उसमें हर ट्रांजेक्शन को जनरल में रिकॉर्ड कर रहे थे ना, एक दो तीन ऐसा करके रिकॉर्ड कर रहे थे, उसमें काउंट करना पड़ेगा। बट लेजर में तो सबका एक घर होगा ना, आपने कैश का खोला, कैश की पूरी हिस्ट्री आपके सामने, आपने सेल्स का खोला, सेल्स की पूरी हिस्ट्री आपके सामने, मतलब इससे क्या होगा आपका टाइम बचेगा और आपको तुरंत एक फाइनल अमाउंट मिल जाएगा। सही है, चलो तो कैसे करते हैं, क्या करते हैं हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। चलो अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ विराट ट्रेडर्स, ओपन नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, बैलेंस द अकाउंट्स एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019। हमारे पास विराट का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, अब ट्रायल बैलेंस के बेस पे हम जनरल प्रिपेयर करेंगे और जनरल के साथ ही साथ हम लोग लेजर भी क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। यहां बोला गया ओपन नेसेसरी लेजर अकाउंट, लेजर प्रिपेयर करने के लिए हमें सबसे पहले जनरल प्रिपेयर करना होगा इस ट्रायल बैलेंस के आधार पे, इस ट्रांजेक्शन के आधार पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जनरल बनाएंगे। सबसे पहले आपको जनरल प्रिपेयर करना है, जनरल के बाद मैं आपको बताऊंगा लेजर किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। तो इस वीडियो को पूरा स्टार्ट से लेके द एंड तक देखना है। ठीक है, चलो फर्स्ट यहाँ पे क्या बोला है, 1 मार्च 2019 को विराट ने क्या क्या स्टार्ट किया, बिजनेस क्या क्या स्टार्ट किया, किससे, कैश से और कैश एट बैंक, कैश एट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक से पैसा आया और साथ में क्या किया, फर्नीचर आया। जब भी हम जनरल बनाते हैं तो फॉर्म में जो आ रहा है वो क्या होगा, डेबिट साइड, और किसके लिए आ रहा है ये, किसका आ रहा है, ये विराट का कैपिटल आ रहा है। जब भी फर्म चालू कर रहे हो तो क्या होता है, कोई ना कोई इन्वेस्टर अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है ना, सही बात है। तो ये विराट क्या कर रहा है, अपने कैपिटल के रूप में इतने सारे चीज ला रहा है।
तो जो आ रहा है वो क्या होगा, डेबिट साइड। तो चलो जनरल में आना है, डेट डालना है 1/2019, ठीक है, March 1, ठीक है। अब फॉर्म में क्या क्या आ रहा है, फॉर्म में कैश आ रहा है सबसे पहले, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आ रहा है मतलब कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। फिर बैंक ऑफ इंडिया से पैसा आ रहा है, तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया से पैसा आ रहा है, अकाउंट क्या हो जाएगा, वो भी डेबिट। साथ ही साथ में क्या आ रहा है, फर्नीचर भी आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट भी क्या हो जाएगा आपके लिए, डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब ये पैसा किसका आ रहा है, विराट का क्या आ रहा है, कैपिटल आ रहा है ना, विराट का क्या आ रहा है, कैपिटल आ रहा है। तो लिखना है टू विराट्स कैपिटल अकाउंट, विराट का कैपिटल आ रहा है। तो कैश कितना आ रहा है, 50,000, 7,000 और 10,000। कैश आ रहा है मेरा 50,000 डेबिट में, ठीक है, डेबिट डेबिट में लिखना है। बैंक ऑफ इंडिया से कितना आ रहा है, बैंक ऑफ इंडिया से कितना पैसा आ रहा है, 7,000 आ रहा है, सही बात है। यहाँ पर मैं लिखूंगा 7,000 डेबिट है, तो डेबिट के अमाउंट में लिखना है, क्रेडिट रहेगा तो क्रेडिट के अमाउंट में लिखना है, ठीक है। फर्नीचर कितने का आ रहा है, 10, अपना ये फर्नीचर कितने का आ रहा है, 10,000 का, तो 10,000, ठीक है। अब ये क्या है, टू विराट कैपिटल कहाँ पे, क्रेडिट में है ना, डेबिट में ये 3 है, ये क्रेडिट में है ना, तो क्रेडिट में तो अमाउंट कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में आएगा ना। तो 50, 10, 60 कितना हो जाएगा आपके लिए, यहाँ पे 67 कितना हो जाएगा, 67,000, ठीक है। कहानी खत्म, कोई दिक्कत की बात यहां तक आई आपको, नहीं आई। इसको क्या बोलोगे, नरेशन क्या लिखोगे, नरेशन लिखोगे बीइंग, क्योंकि नरेशन हमेशा बीइंग से स्टार्ट होता है, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया कैश एंड फर्नीचर। कहानी खत्म, नरेशन भी आपका हो गया। इस तरीके से आपको पूरा पहले जनरल प्रिपेयर करना है, उसके बाद लेजर करना होता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे पहला वाला हो गया। थर्ड क्या बोला है, परचेस गुड्स फ्रॉम रोहित। अब यहाँ पे नाम किसका दिया है, रोहित का, ठीक है, कितने का, 10,000 का। और लेस क्या बोला है, 10% टीडी, टीडी का मतलब होता है ट्रेड डिस्काउंट, टीडी का मतलब होता है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। अभी आपने क्या किया, परचेस किया, किससे परचेस किया, रोहित से किया। अब जब भी किसी पर्सन का नाम दिया जाएगा तो आपको अज्यूम करना है कि आपने जो परचेस किया है वो कहाँ पे किया है, क्रेडिट बेस पे किया है, मतलब एक उधारी के बेसिस पे किया है, ठीक है, आपने कैश के बेसिस पे नहीं किया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो तो परचेस क्या होता है, आपको पता है कि जब भी आप परचेस की एंट्री करोगे तो परचेस अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा ना। परचेस हमारे पास आ रहा है, हमारे पास गुड्स आ रहा है तो हमारे पास क्या आ रहा है, सामान आ रहा है ना, तो कहाँ से आ रहा है, परचेस के तभी ना आ रहा है, तो परचेस क्या हो जाएगा, डेबिट। और हमेशा परचेस अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है, हमेशा याद रखना। जब भी आप परचेस करोगे ना तो परचेस अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। अगर आपने कुछ परचेस किया तो पैसा आएगा कि जाएगा, पैसा जाएगा ना, बट यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप लोग उधारी में कर रहे हो ना, आपको वहां पे नाम दिया गया है, कैश का आपको ट्रांजेक्शन दिया है या नहीं दिया ना, ट्रायल बैलेंस में आपको क्या बोला है, आप सामने वाले से गुड्स खरीद रहे हो, किससे खरीद रहे हो, आप आपके रोहित से, तो उधारी में तो रोहित का नाम आएगा, अगर कैश में होता तो कैश जाता हमारे पास से, बट यहाँ पे रोहित का नाम आएगा क्योंकि उधारी बेसिस पे हो रहा है, ठीक है। कितने का हो रहा है, 9-10,000 का हो रहा है, बरोबर, कितने का हो रहा है, देखो 10,000 का हो रहा है, बरोबर। 10,000 में क्या बोला है, 10% आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 10% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। और ये आपका ये जो क्वेश्चन है ना, वो आपके पेज बुक टेक्स्ट बुक नंबर 106 पे है, तो आप देख सकते हो, ठीक है, वहाँ पे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखना है कितना हुआ, 10,000 है ना, मैं आपको यहाँ पे आपको ऐसे एग्जाम में नहीं करना, ये आपको रफ पेज पे करना है, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ एटलीस्ट, ठीक है, समझ में आना चाहिए इसके लिए। 10,000 कितना बोला है, 10% आपको ट्रेड डिस्काउंट बोला है, तो 10/100 हो जाएगा, ये गया ये गया ये गया ये गया, कितना हुआ, 1,000, 1,000 × 1 कितना हो जाएगा, 1,000, मतलब आपको 1,000 का क्या मिला, ट्रेड डिस्काउंट मिला। आपका एक्चुअल कीमत कितना था, 10,000 था, अभी 10,000 में से अगर मैं माइनस कर दूंगा 1,000 जो मुझे डिस्काउंट मिला, तो मुझे कितना पे करना है, अब सिर्फ 9,000 पे करना है, बरोबर। तो 9,000 डेबिट साइड में आएगा परचेस के, रोहित कहाँ पे, क्रेडिट में है, तो 9,000 कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में आएगा, कहानी खत्म, ठीक है।
नरेशन में लिखना है बींग परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, खत्म हो गया। इस तरीके से आपको करना है, सही बात है। चल अब यहाँ पे क्या हो गया, पेज भर गया। देन मैं क्या करूँगा, एक न्यू पेज यहाँ पे ड्रॉ कर लूंगा। चलो यहाँ पे मैं एक नया पेज फटाफट से यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। चलो मैं यहाँ पे एक नया पेज ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे पहला होता है मेरे लिए डेट, ठीक है। फिर मेरे लिए क्या होगा, पर्टिकुलर्स होगा, सही बात है। फिर मेरे लिए होगा जेएफ, जनरल बना दो तो एलएफ आएगा, लेजर बनाओगे तो जेएफ आएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो मैंने कॉलम यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि मेरा सेकेंड पेज है, आपका एक पेज पे हो जाएगा, सही बात है। चलो यहाँ पे थर्ड तक हमारा हो चुका है एंट्रीज। 71 क्या बोल रहा है, देखिए, सोल्ड बूस्ट टू सुनील 5000 लेस 5% रेट डिस्काउंट। आपने क्या किया, सेल किया, किसको किया, सुनील को किया। यहाँ पे वापस नाम दिया है सुनील का, नाम दिया रहेगा तो मतलब आपने क्या किया, उधारी बेसिस पे किया है, मतलब आपने क्रेडिट पे सेल किया। आपको पैसा तुरंत नहीं मिला, पैसा आपको बाद में मिलने वाला है, आपने सेल्स किया। अगर मैंने बोला कि आपको परचेस अकाउंट, जब भी आप परचेस करते हो तो परचेस अगर आपके लिए डेबिट होगा तो सेल्स आपके लिए क्या होगा, क्रेडिट होगा ना भाई। जब परचेस आपके लिए डेबिट होगा तो सेल्स क्या होगा, आपके लिए क्रेडिट होगा, सही बात है। चलो अगर सेल्स क्रेडिट होगा तो डेबिट क्या होगा, डेबिट में नाम आएगा, किसका नाम आएगा, सुनील का, मतलब सुनील को बेच रहे हो ना। चलो यहाँ पे डेट डालना है, डेट कितना है देखो, सॉरी यहाँ पे 7 डेट डाल दूँ मैं यहाँ पे पहले। चलो 7, ठीक है। 7 के बाद क्या डेट क्या है, 10, डायरेक्ट क्या है, 10, 10 का मैं डेट डालू, ठीक है। किसको आप सेल कर रहे हो, आपके पास क्या हो रहा है, सेल्स हो रहा है। अगर मैं बोलूँ परचेज अगर आपके लिए डेबिट है तो सेल्स क्या होगा, आपके लिए क्रेडिट होगा। तो मैंने लिखा टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट में हमेशा टू लगाना पड़ता है, ठीक है। तो टू सेल्स अकाउंट डेबिट, इसका नाम आएगा, किसको आपने बेचा है, सुनील को बेचा है। देखो यहाँ पे कैश होता तो कैश आता, बट कैश में नहीं, आपने क्या बोला है, सामने वाले का नाम दिया, मतलब आपने क्या किया, डेबिट, मतलब आपने उधारी में सेल किया है ना बच्चों, ठीक है। नरेशन में बाद में लिखेंगे, पहले सुनील अकाउंट उसे कितने का किया है, 5000 का। 5000 पे आपने क्या किया है, 5% का टीडी दिया, मतलब ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो देखो कैसा होएगा, 5000 इंटू 5% आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया, ये गया ये गया ये गया ये गया, कितना बचा, 50। 50 × 5 कितना करोगे तो कितना होएगा, 250 रुपया हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअल अमाउंट कितना है मेरा, 5000 है, 5000 में से मैं 250 रुपये क्या किया, मैंने ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो मैं कितना लूंगा, 4750। तो यहाँ पे सुनील अकाउंट क्या है, डेबिट में है, तो डेबिट में कितना आएगा, 4750। सेल्स कहाँ पे, क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में भी कितना आएगा, 4750। कहानी खत्म, जनरल मेरा प्रिपेयर हो गया, सही बात है। नरेशन में लिखना है बींग सोल्ड गुड्स टू सुनील विथ 5% टीडी, क्या बोला मैंने, 5% टीडी। कहानी खत्म, सही बात है। चलो अब यहाँ पर देखते हैं उसके बाद क्या बोला है, 10 के बाद 12 क्या बोला है, बोला है परचेज फर्नीचर फ्रॉम वर्मा ऑन क्रेडिट वर्थ 20,000। क्या बोला है, क्रेडिट, यहाँ पे आपको पहले ही बोल दिया गया कि आपने क्या किया है, क्रेडिट बेसिस पे क्या किया है, परचेस किया है, ठीक है। एक सेकेंड, हमारा एक छूट गया यार, हाँ 10 सेन क्या, 7 के बाद क्या है, 10 है ना, 2 3, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे 1, सॉरी ये 3 है, हमने यहाँ पे 7 डायरेक्ट लिख दिया था, तो मैं इसको यहाँ पे सही कर दूँ पहले, हमारा नंबर थोड़ा सा गलत हो गया था। यहाँ पे मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ, ठीक है। 3 के बाद यहाँ पे क्या है, ये 7 हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7, ठीक है। अभी 10 की बारी आई ना, अब हुआ है 7, मतलब हमारा यहाँ तक हो गया। अब 10 क्या बोल रहा है, देखिए 10 बोल रहा है डिपॉजिटेड कैश विद बैंक ऑफ इंडिया 5000। आपने क्या किया, डिपॉजिट किया, आप अपना कैश लेके गए बैंक ऑफ इंडिया के पास, और बैंक ऑफ इंडिया में आपने क्या किया, जमा किया। तो आपके पास कैश आएगा कि जाएगा, अरे आपके पास तो कैश जाएगा ना, आपने डिपॉजिट किया, मतलब आपके पास से क्या होगा, कैश जाएगा। तो मेरे पास से यहाँ से कैश जाएगा, तो 10 में क्या हो गया, कैश जा रहा है, मतलब मेरे पास से कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो कैश अकाउंट मेरे लिए क्या हो गया, क्रेडिट। डेबिट में किसका नाम आएगा, ये कैश किसके पास जा रहा है, ये कैश जा रहा है बैंक ऑफ इंडिया के पास, तो डेबिट में नाम किसका आएगा, बैंक ऑफ इंडिया का नाम आएगा, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट क्या हो जाएगा मेरे लिए, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। कितना,
कितना जा रहा है, 5,000 आपने कर रहे हो, तो डेबिट में बैंक ऑफ इंडिया है डेबिट में आएगा 5,000, क्रेडिट में कैश है तो क्रेडिट में भी कितना आएगा 5,000 आएगा। ठीक है, नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग डिपोजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया, कहानी खत्म, सही बात है। चल आगे देखेंगे, टेन के बाद 12 का क्या बोला है, ट्रायल बैलेंस बोला गया, परचेज फर्नीचर फ्रॉम वर्मा ऑन क्रेडिट वर्थ ₹20,000। अभी आपने क्या किया, परचेस किया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि परचेस आपके लिए क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, यहाँ पे नाम किसका दिया, वर्मा का नाम दिया, और बोला भी गया ये क्रेडिट पे आपने किया, मतलब उधारी बेसिस पे किया आपने, फर्नीचर तो परचेस किया बट पैसा आप बाद में देने वाले हो, अभी नहीं दे रहे हो, आप बाद में दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे परचेस क्या, यहाँ पे नाम दिया है ना फर्नीचर का, तो यहाँ पे परचेस में क्या आएगा, फर्नीचर का नाम आएगा, क्योंकि परचेस आपके लिए क्या होता है, डेबिट होता है, तो परचेस यहाँ पे नाम दे दिया गया फर्नीचर, तो फर्नीचर का ही नाम आएगा ना, सिंपल सी बात है। आपके पास फॉर्म में क्या आ रहा है, जब भी आप परचेस करोगे तो फॉर्म में कुछ ना कुछ आएगा ना, फॉर्म में यहाँ पे क्या आएगा, फर्नीचर आएगा, तो फर्नीचर अकाउंट मेरे लिए क्या हो जाएगा, डेबिट। मैं किससे ये उधारी में कर रहा हूँ, तो मेरे पास कैश जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो सामने वाले का नाम क्या है, वर्मा, तो सामने वाले का नाम आएगा वर्मास अकाउंट। ठीक है, कितने का फर्नीचर आप परचेस कर रहे हो, 20,000 का, तो डेबिट में भी कितना आएगा, 20,000 आएगा, क्रेडिट में भी कितना आएगा आपके लिए, 20,000 आ जाएगा, सही बात है। चल नरेशन में लिखना है आपको, बीइंग परचेज फर्नीचर फ्रॉम वर्मा ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे आपने वर्मा से क्या किया, परचेस किया, इस तरीके से आपने वहाँ मेंशन कर दिया। ठीक है, तो इतना आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा, किस तरीके से जनरल भी प्रिपेयर करते हो आप। ठीक है, चलो आगे देखना है हमें क्या करना है। अब मेरा अब 12 तक हो गया, 15 क्या बोला है, देखो पेड टू वर्मा बाय नेट बैंकिंग 8,000। आप क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो, क्या पे कर रहे हो, पैसा, किसको पे कर रहे हो, वर्मा को पे कर रहे हो ना, तो अगर आप किसी को पे करोगे तो आपके पास से पैसा आएगा कि जाएगा, आपके पास से पैसा जाएगा ना, बट कैसे जा रहा है, बैंकिंग से जा रहा है ना, नेट बैंकिंग मतलब बैंक से पैसा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पैसा किसको जा रहा है, चलो यहाँ पे डेट डालेंगे 15। अभी यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, कुछ भी आप पे करोगे तो आपके पास से पैसा आएगा कि जाएगा, पैसा आपके पास से जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अभी पैसा तो यहाँ पे जा रहा है ना, बट किसके लिए जा रहा है, किसको पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है आपको वर्मा को जा रहा है ना, आप किसको पे कर रहे हो, वर्मा को पे कर रहे हो। आप जिसके लिए भी पैसा जा रहा है, जिसके भी लिए पैसा आपके फर्म से जा रहा है, तो उसका नाम डेबिट में आएगा, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो किसी पर्सन को देते हो, चाहे किसी को सैलरीज के रूप में दे रहे हो, चाहे वो किसी का इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, जिसके लिए पैसा जा रहा है उसका नाम आएगा डेबिट साइड, और अपने पास से कैश जाएगा तो कैश, अगर बैंक से जाएगा तो बैंक का नाम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसको जा रहा है, वर्मा को जा रहा है, तो वर्मा का नाम कहाँ पे आएगा, डेबिट में आएगा, तो वर्मा अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। हमारे पास से पैसा कैश में नहीं जा रहा, हमारे पास से पैसा बैंक से जा रहा है, तो टू बैंक, हमारा बैंक कौन सा है, यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया है, तो टू बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। ठीक है, हमारे बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट से क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है, कितना जा रहा है, 8,000 जा रहा है, तो डेबिट में भी कितना आएगा, 8,000, क्रेडिट में भी कितना आएगा, 8,000। मेरे साथ लिखना है, बैंक पेड टू वर्मा, वर्मा को आप क्या कर रहे हो, पेड कर रहे हो, बिंग पेड टू वर्मा। ठीक है, ₹5,8,000, कहानी खत्म। चलो अब यहाँ पे मेरा कॉलम भर चुका है, देन मैं वापस क्या करूंगा, एक और न्यू कॉलम यहाँ पे ड्रॉ कर लूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक और न्यू कॉलम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे पहले हमको पता है कि हमारे लिए डेट आता है, उसके बाद हमारे लिए क्या आएगा, पर्टिकुलर्स आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे लिए LF आएगा, उसके लिए उसके बाद हमारे पास डेबिट अमाउंट और आएगा, हमारे लिए क्रेडिट अमाउंट आएगा। ठीक है चल उसके बाद यहाँ पे देखना है हमें कि क्वेश्चन में क्या बोला है। देखिए, हमारा यहाँ तक तो हो गया, 15 तक तो फिनिश कर दिया हमने ना, वन बाय वन करके।
617 क्या बोला है, पेड प्रिंटिंग एक्सपेंसेस कितना है, 200 रुपए है। मैंने आपको बोला जब आप कुछ भी पेड करोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, अरे पैसा जाएगा ना, तो पैसा जाएगा तो आपके लिए क्या होगा, क्रेडिट होगा, सही बात है, बट पैसा किसके लिए जा रहा है उसका नाम कहाँ पे आएगा, डेबिट में आएगा। अब ये पैसा किसके लिए जा रहा है, ये पैसा जा रहा है मेरे प्रिंटिंग एक्सपेंसेस के लिए, किसके लिए जा रहा है, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस के लिए जा रहा है। यहाँ पे देखना है 15 के बाद डेट क्या है, 17, मैं यहाँ पे लिखूंगा 17। अब पैसा जा रहा है किसके लिए जा रहा है, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस के लिए जा रहा है, तो प्रिंटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट क्या हो जाएगा मेरे लिए, डेबिट, सही है। चलो हमारे पास से क्या होगा, पैसा कैश में जा रहा है ना, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा मेरे लिए, क्रेडिट हो जाएगा, सही बात है। चलो कितना जा रहा है, सिर्फ 200 रुपये जा रहा है, तो 200 रुपये डेबिट में आएगा, 200 रुपये क्रेडिट में आएगा, ठीक है। नरेशन में आपको लिखना है बे पेड प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, कहानी खत्म, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है, ओके। चलो 17 के बाद देखना है डेट, हमें वहां पे देखना है, फिर 20 को क्या बोला है, रिसीव कमीशन 200। अभी आपको यहाँ पे क्या हुआ, कमीशन रिसीव हुआ, कमीशन क्या हुआ, रिसीव हुआ, तो कैश आया कि गया, कैश आया ना, मगर कैश आ रहा है, किसका आ रहा है, कमीशन का कैश आ रहा है, तो पहले फॉर्म में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो डेबिट क्या होगा, फॉर्म में कैश होगा। चलो 17 के बाद डेट कितना है, 20, तो 20 को क्या हो रहा है, हमारे फॉर्म में पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा आपके लिए, डेबिट, कहां से आ रहा है, कमीशन से आ रहा है, तो कमीशन क्या हो जाएगा आपके लिए, क्रेडिट, कमीशन अकाउंट, ठीक है। कितना आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, 200 रुपए, ठीक है, यहाँ डेबिट में कितना आएगा 200, क्रेडिट में भी कितना आएगा 200। नरेशन में क्या लिखोगे, नरेशन में लिखोगे बैंक रिसीव कमीशन, कहानी खत्म। चल हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, देखिए बच्चों लास्ट वन क्या बोला है, 25 को क्या बोला है, विथड्रॉ कैश फॉर बैंक बाय एटीएम, यहाँ पे विड्रॉ किया है कैश किससे, एटीएम से, जब भी विड्रॉ करोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, अरे विड्रॉ किया मतलब पैसा निकाला, जब भी पैसा निकालोगे तो फॉर्म में तो पैसा आएगा ना, बट कहाँ से आएगा, बैंक से पैसा आ रहा है ना, बैंक से पैसा निकाल रहे हो, सबसे पहले क्या होगा, फॉर्म में पैसा आएगा, आपने विड्रॉ किया मतलब फॉर्म में क्या होगा, पैसा आएगा, तो 25 डेट है, तो फॉर्म में पैसा आया मतलब कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, अभी कहाँ से आया, बैंक ऑफ इंडिया से आएगा ना, क्योंकि आपका यहाँ पे बैंक से पैसा निकाल रहे हो, तो बैंक ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा आपके लिए, क्रेडिट, ठीक है। कितना है, कितना कैश आप निकाल रहे हो, 1000 रुपये निकाल रहे हो, तो डेबिट में भी कितना आएगा, 1000 रुपये आएगा, क्रेडिट में भी कितना आएगा आपके लिए, 1000 रुपये आएगा, सही है कहानी। चलो नरेशन आपको लिखना है, बैंक विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, कहानी खत्म। चलो 25 के बाद देखना है हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या मेंशन किया गया है। अब 28 को बोला गया कि पेड टू वर्मा 11,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ फीस अकाउंट। अब आपको बोला गया कि आपने वर्मा को 11,500 भर दिया और साथ ही साथ आपने क्या किया, पूरा सेटलमेंट भी कर दिया, बट वर्मा को आपको कितना देना था, वर्मा को आपको 12,000 देना था ना। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना है आपको, देखो आपने फर्नीचर कितने का परचेस किया वर्मा से, 20,000 का परचेस वर्मा से आपने परचेस किया, ठीक है, 20,000 का आपने वर्मा से फर्नीचर परचेस किया, उसमें आपने 8,000 पे कर दिया, यहाँ से आपके पास बैंक से पैसा, आपने 8,000 पे किया। अगर 20,000 में से 20,000 का मैंने परचेस किया और 8,000 मैंने बैंक से पे कर दिया वर्मा को, अब मुझे कितना पे करना है, 12,000 पे करना है, 12,000 में मैं कितना पे कर रहा हूँ, सिर्फ 11,500 पे कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि मेरे लिए क्या हो गया, पूरा सेटलमेंट हो गया, क्या हो गया मेरे लिए, पूरा सेटलमेंट हो गया। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है, मेरे साथ में आना है, देखो 25 के बाद क्या डेट आएगा, 28। चलो अब पहले किसको आप पे करना है, आपके पास जब भी आप पे करोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, पैसा जाएगा, तो पैसा किसके पास जा रहा है, वर्मा के पास जा रहा है, तो वर्मा अकाउंट क्या होगा, डेबिट, वर्मा अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। अब वर्मा को आपको 12,000 पे करना है, क्योंकि आपने वर्मा से फर्नीचर परचेस किया 20,000 का, 20,000 में आपने 8,000 आपके बैंक से उसको पे किया, अब 12,000 देना था ना,
तो वर्मा अकाउंट डेबिट कितना होगा 12,000 से, कि मेरे को 12,000 और वर्मा को अभी देना है, ठीक है। और आप दे कितना रहे हो, आप 11,500 दे रहे हो, आपके पास से कैश कितना जा रहा है, टू कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, मेरे क्रेडिट हो जाएगा, कितना जा रहा है 11,500, कितना 11,500। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में देखना है क्या बोला है, देखो पेड टू वर्मा 11,500 इन फुल सेटलमेंट। अभी आपका यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं होगा, आपने पूरा 11,500 में वो वर्मा मान गया, बोला चलो ठीक है अब आपको मेरे को कुछ देना नहीं है, आपका मेरा लेन देन यहाँ तक खत्म हो चुका है, सब क्या हो गया टैली हो गया, ठीक है। तो अभी ये 500 रुपया बचा वो मेरे लिए क्या होगा, डिस्काउंट माना जाएगा ना। अब मुझे 12,000 पे करना था, 12,000 में मैंने सिर्फ 11,500 पे किया, तो ये 500 मेरे लिए क्या माना जाएगा, मेरे लिए डिस्काउंट माना जाएगा। मुझे क्या मिला, डिस्काउंट मिला। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, टू डिस्काउंट रिसीव, मुझे यहाँ मिला डिस्काउंट मिला, रिसीव हुआ ना, मुझे 12,000 देना था बस 11,500 मैंने दिया, यहाँ पे कितना आएगा 500 मुझे क्या मिला, यहाँ पे डिस्काउंट मिला, क्या मिला डिस्काउंट मिला, ठीक है। तो चलो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, चलो ठीक है 11,500 मैंने पे किया और 500 मेरे लिए क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, ठीक है। नरेशन क्या आएगा यहाँ पे, नरेशन आएगा बीइंग पेड टू वर्मा रुपीज 11,500 इन फुल सेटलमेंट, ठीक है ये आपको लिखना है, मैं सेव कर लू फिर लिखते, चलो चलो यहाँ पे लिखना है बीइंग पेड टू वर्मा इन फुल सेटलमेंट, क्या हो गया फुल सेटलमेंट आपका हो गया, कहानी खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे का देखेंगे, लास्ट ट्रांजेक्शन में यहाँ पे क्या बोला गया है, लास्ट बोला गया है 30 तारीख को हमने क्या किया, पेड एडवर्टाइजमेंट बिल। मैंने आपको जब भी बताया कि जब भी आप पे करोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, पैसा जाएगा। अब पैसा जिसके लिए जा रहा है, पैसा जिसके लिए जा रहा है उसका नाम आएगा डेबिट साइड में, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे वो सैलरीज हो, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो मोटर गाड़ी हो, कुछ भी हो, जिसके लिए पैसा जा रहा है आपको आंख बंद करके उसका नाम डेबिट साइड में लिख देना है। ये आपके लिए ट्रिक पॉइंट है, ठीक है, ट्रिक है, आपको लिखना है आपके बुक्स में, ठीक है, ये कोई बताएगा नहीं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं किसका पे कर रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट का बिल पे कर रहा हूँ, कितना 500 रुपया। तो मेरे पास से कैश आएगा कि कैश जाएगा, मेरे पास से क्या होगा, कैश जाएगा। तो यहाँ पे मेरा कॉलम भर गया, मैं छोटा सा कॉलम ले लूँ जिससे आपको एक ही बचाए, तो एंट्री के लिए मैं छोटा सा बना लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे छोटा सा एक बना लेता हूँ फटाक से, फिर अपन साथ में करेंगे, ठीक है। चलो पर्टिकुलर्स एफ डेबिट और क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। चलो अब यहाँ पे पैसा जा रहा है ना, किसके लिए जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट के लिए जा रहा है। डेट कितना है 30, तो 30 तारीख को क्या हुआ, मेरा एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा जा रहा है। एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। मेरे पास से क्या हो रहा है, कैश पे कर रहा हूँ, मतलब कैश जा रहा है। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कितना है 500 है, तो 500 डेबिट में भी आएगा, 500 क्या हो जाएगा, क्रेडिट में भी आएगा। नरेशन में लिखना है बीइंग क्या कर रहे हो, पेड कर रहे हो, तो लिखना है पेड एडवर्टाइजमेंट बिल। आप एडवर्टाइजमेंट बिल क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो, कहानी खत्म। अब यहाँ पे हमारा जनरल प्रिपेयर हो गया। अब इस जनरल को देख के हमें लेजर प्रिपेयर करना है, क्या करना है, इस जनरल को देख के हमें लेजर प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब लेजर प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखो जितना भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ है, जैसे कि कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट का एक अलग से घर होगा, बैंक ऑफ इंडिया तो बैंक ऑफ इंडिया का अलग से घर होगा, फर्नीचर तो फर्नीचर का अलग से घर होगा, विराट कैपिटल अकाउंट तो विराट का अलग से घर होगा, फिर क्या बोला है, परचेस तो परचेस का अलग से घर होगा, टू रोहित, रोहित का अलग से घर होगा, ठीक है। जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जितने भी आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं, सबका क्या होगा, एक पर्सनल अकाउंट, एक पर्सनल घर होगा, एक पर्सनल अकाउंट बनेगा, उसी को बोलोगे लेजर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सबका एक पर्सनल घर बना के रखा है, देखना है आपको यहाँ पे जिस तरीके से मैंने लेजर अकाउंट बनाया, मैंने ये मेरे लिए क्या है, विराट कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, ठीक है। जब भी आप लेजर प्रिपेयर करते हो तो आपको जेएफ लिखना है, आप जनरल प्रिपेयर करते हो तो आपको एलएफ लिखना है, ठीक है। फिर सेम डेट जेएफ अमाउंट क्रेडिट, डेबिट साइड में भी सेम आएगा, क्रेडिट में भी क्या होगा, सेम आएगा। ये हमारा फॉर्मेट है, ये आपको याद रखना है, डेबिट साइड में डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, अमाउंट डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतना आपको इस तरीके से मैंने विराट का बना दिया, फिर मैंने कैश अकाउंट प्रिपेयर कर दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया बनाया, फर्नीचर भी बना दिया,
परचेस बनाया, रोहित का अकाउंट बनाया, सुनील का बनाया, सेल्स का बनाया, वर्मा का बनाया, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस का बनाया, जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ है सबका अलग से घर बनेगा, कमीशन बनाया, डिस्काउंट बनाया, ठीक है। साथ ही साथ मैंने क्या बनाया, एडवर्टाइजमेंट बनाया, जितना भी मेरे पास ट्रांजेक्शन हुआ सबका मैंने अपने घर बनाया। अब उसके घर के अंदर उनको डाल देना है, जो घर बनाया है उस घर के अंदर उनको शिफ्ट करवाने का काम हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, आप एक वन बाय वन सबको शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो शिफ्ट करना होगा, चलो तो शिफ्ट करने के लिए हमें हेल्प करेगा जनरल। तो जनरल का सबसे पहला पेज निकालना है, चलो पहला पेज यहाँ पे मैं निकाल दिया। सबसे पहले क्या बोला है, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कहाँ पे है, डेबिट साइड में है। कैश अकाउंट कहाँ पे है, डेबिट साइड में है। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आना है मुझे। कैश अकाउंट ये मेरा कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट का डेबिट साइड मेरा ये है। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना है मेरा, 50,000 है। तो मैं कैश अकाउंट की डेबिट साइड में कितना लिख दिया, 50,000 लिख दिया, ठीक है। कैश अकाउंट के डेबिट था तो कैश अकाउंट का डेबिट में लिखा। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कैश अकाउंट में कैश का नाम नहीं यूज होगा, तो क्या होगा, रिवर्स का नाम यूज होगा। क्या होगा, रिवर्स का नाम यूज होगा। यहाँ पे रिवर्स क्या है, देखो यहाँ पे रिवर्स क्या है, ये कैश बैंक ऑफ इंडिया फर्नीचर सब डेबिट है। तो इसके रिवर्स में क्या है, इसके रिवर्स में क्रेडिट में क्या है, क्रेडिट में है टू विराट कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट में क्या है, विराट कैपिटल अकाउंट। तो किसका नाम आएगा, विराट कैपिटल अकाउंट का नाम आएगा, क्योंकि हमेशा इसका रिवर्स यहाँ पे उसके अकाउंट में उसका नाम नहीं आएगा, तो हमेशा रिवर्स का नाम आता है, जो उसके अपोजिट में रहेगा उसका नाम आता है, ठीक है। तो किसका नाम है, कैपिटल का नाम है। तो क्या आएगा, टू विराट कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर लिखना है मुझे डेट क्या है, 1 तारीख को हुआ है, टू विराट कैपिटल अकाउंट। मतलब ये कैश जो आया है वो विराट के कैपिटल से आया है। अब समझ में आया आपको, ये कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट में जो ये पैसा आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, विराट के कैपिटल से आ रहा है। आपको मालूम पड़ रहा होगा ना, इसके लिए जनरेटर बनाया जाता है, ठीक है। चलो उसके बाद देखेंगे सेकेंड एंट्री क्या है, बैंक ऑफ इंडिया कहाँ पे है, डेबिट में, कितना, 7,000। तो बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट में लिखना है मुझे, तो बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट साइड मुझे लिखना है 7,000। बैंक ऑफ इंडिया डेबिट था 7,000 से, तो मैंने लिख दिया 7,000। अब बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में उसका नाम नहीं आएगा, तो नाम किसका आएगा, रिवर्स का नाम आएगा। मतलब क्रेडिट में क्या है, देखो बैंक ऑफ इंडिया क्या है, डेबिट है, तो क्रेडिट में क्या नाम है, कैपिटल का नाम है, विराट के कैपिटल का। तो क्या नाम आएगा, विराट के कैपिटल अकाउंट का नाम आएगा। एक डेट टू विराट कैपिटल अकाउंट, कहानी खत्म। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो उसके बाद देखना है थर्ड वन की एंट्री क्या बोला है। थर्ड बोला गया है फर्नीचर अकाउंट क्या है, डेबिट है, कितना है, 10,000 से। तो फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग करना होगा इसको, फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में मैंने यहां पे लिख दिया 10,000, ठीक है। चलो फर्नीचर के अकाउंट में फर्नीचर का नाम नहीं आएगा, तो नाम किसका आएगा, अपोजिट में, किसका नाम है, अपोजिट में विराट का ही नाम है ना। देखो ये क्या है, डेबिट है, इसका अपोजिट में किसका नाम है, फर्नीचर यहाँ पे कहाँ पे, डेबिट में, अपोजिट में किसका नाम है, विराट का। तो नाम किसका आएगा, विराट के कैपिटल अकाउंट का। यहाँ पे लिखना है मुझे टू विराट कैपिटल अकाउंट। चलो इस तरीके से पोस्टिंग करना है। अब ये सारी पोस्टिंग आपके हो गए, ठीक है, डेबिट के तीनों हो गए। अब क्रेडिट में क्या है, विराट कैपिटल अकाउंट क्या है, क्रेडिट कितने से, 67,000 से है। तो विराट के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। तो ये मेरा विराट का कैपिटल अकाउंट है, कहाँ पे है, क्रेडिट साइड में। तो मैं क्रेडिट में लिखूंगा 67,000, ठीक है। अभी इसके अकाउंट में उसका नाम नहीं आएगा, तो किसका आएगा, रिवर्स, मतलब उसके अपोजिट का नाम आएगा। तो अपोजिट में कितने नाम है, देखो अपोजिट में यहाँ पे कितने नाम है, ये क्रेडिट में है ना, विराट, विराट क्या है, क्रेडिट में है ना। तो इसके अपोजिट में नाम किसका है, 1, 2, 3, मतलब तीन नाम इसके क्या है, अपोजिट में है, इसके रिवर्स में तीन नाम है। तो ये तीनों का नाम आएगा, क्या आएगा, तीनों का नाम आएगा। तो चलो यहां पे लिखने के लिए आपको बाय यूज करना है, क्रेडिट पे बाय, डेबिट पे टू। तो बाय पहला है, बाय कैश अकाउंट, सेकेंड है बाय बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, थर्ड है बाय फर्नीचर अकाउंट। कैश कितना था मेरे, ठीक है, 67,000, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया हो, कोई दिक्कत नहीं है।
चलो अभी 67,000 है इसमें से कैश कितना आया है देखो, मैं आपने 67 लिखा तो उसको आप मत ऐसा मत लिखो नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, कन्फ्यूज हो जाओगे आप। ऐसे लिखो कैश कितना आया मेरे पास, 50,000 आया है। चलो बैंक ऑफ इंडिया से कितना पैसा आया है मेरे लिए, 7,000 आया है। फर्नीचर कितने का आया है, 10,000 का आया है। आप कैलकुलेट कितना हो जाएगा, 67,000 आ गया, ठीक है, सबका नाम आ गया। चलो इस तरीके से आप सेकेंड एंट्री देखना है। चलो थर्ड वन क्या बोला है यहाँ पे, परचेज। परचेज अकाउंट कहाँ पे है, डेबिट में। कितने से डेबिट है, 9,000 से डेबिट में है। तो परचेज अकाउंट की डेबिट में हमें किसको रिकॉर्ड करना है, तो मैं यहाँ पे परचेज अकाउंट की डेबिट में मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करके कितना, 9,000 है, तो 9,000 मैं डेबिट में यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। अब परचेज अकाउंट में परचेज का नाम नहीं आएगा ना, तो आप उस रूप में नाम किसका है देखो परचेस के अपोजिट पे नाम किसका है, क्रेडिट में किसका है, रोहित का नाम है, तो नाम किसका आएगा, रोहित में, क्योंकि नाम क्यों हम रिवर्स का यूज करते हैं, हम नाम रिवर्स का यूज करते हैं। तो 3 तारीख है तो चलो, तो नाम किसका आएगा, रोहित का आएगा। चलो नाम किसका आएगा, रोहित का। यहाँ पे लिखना है 3 डेट, क्या आएगा, टू रोहित अकाउंट, क्या आएगा, टू रोहित अकाउंट। समझ में आया यहां तक, कोई दिक्कत? चलो उसके बाद देखना है एंट्रीज क्या है, उसके बाद देखो फटाफट। फिर क्या बोला है, टू रोहित अकाउंट। अब रोहित अकाउंट कहाँ पे है, क्रेडिट साइड में है। कितना, 9,000 से है, तो रोहित अकाउंट की क्रेडिट में मैं रिकॉर्ड करना है, तो रोहित अकाउंट की क्रेडिट में क्या लिख दूं यहाँ पे, 9,000। मैं रोहित अकाउंट की क्रेडिट 9,000। अभी सामने वाले का नाम, अपोजिट में नाम किसका है, अपोजिट में नाम में किसका है देखो, इसके रिवर्स में नाम किसका है बच्चों, इसके रिवर्स में नाम किसका है, परचेस का है, तो नाम किसका आएगा, परचेस का आएगा, ठीक है। तो यहां पर लिखना है बाय परचेस अकाउंट, कहानी खत्म, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो उसके बाद देखना है हमें, अब हमारा ये वाला पूरा थर्ड तक खत्म हो गया है। अब सेकंड में क्या बोला है देखो, सेवन में क्या बोला है, सुनील अकाउंट। सुनील कहाँ पे है, डेबिट में है। कितना, 4750 से। सुनील अकाउंट डेबिट है 4750 से, तो मैं क्या करूंगा, सुनील अकाउंट की डेबिट साइड में लिख दूंगा 4750। अब सुनील साइड डेबिट में तो लिख दिया, बट नाम किसका आएगा, उसके रिवर्स का, उसके अपोजिट का। तो अपोजिट पे नाम किसका है, अपोजिट पे नाम है सेल्स का, तो नाम किसका आएगा, सेल्स का आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा डेट कितना है देखो, डेट है 7 मार्च, ठीक है। तो 7 मार्च 2019 ऐसा लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो आप। नाम किसका है, सेल्स का, तो आएगा टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको पक्का नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखना है उसके बाद की एंट्री क्या है। चलो अब यहाँ तक देखोगे हमारा, अभी क्या है, सेल्स। सेल्स कहाँ पे है, क्रेडिट में। कितना, 4750। तो सेल्स अकाउंट के कहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट में लिखेंगे। तो सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में मैं लिख दूंगा 4750। अपोजिट कभी का है, डेट कितना है, डेट है 7 मार्च, तो 7 मार्च 2019। अपोजिट पे नाम किसका है, अपोजिट पे नाम किसका है देखो, रोहित का, सुनील का नाम है। देखना है यहाँ पे देखो, चलो नाम किसका है, अपोजिट पे किसका है, सुनील का नाम है, तो नाम किसका आएगा, सुनील अकाउंट का नाम आएगा। तो चलो फटाफट यहाँ पे लिखना है मुझे बाय सुनील अकाउंट, ठीक है, सुनील अकाउंट, कहानी खत्म। चलो उसके बाद वाला देखना है अब। चलो उसके बाद 10 को क्या बोला है, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट कितना है, 5,000 से क्या है, डेबिट है। 5,000 से क्या है, डेबिट है। तो बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट साइड में कितना लिखना है मुझे, 5,000 लिखना है। तो बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट साइड में मैं लिख दूंगा यहाँ पे 5,000, ठीक है, मैंने लिख दिया 5,000। अभी बैंक ऑफ इंडिया डेबिट में लिख दिया 5,000, बट उसके रिवर्स में नाम क्या है, उसके अपोजिट में नाम क्या है देखो, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया डेबिट था, डेबिट मैंने लिख दिया, बट अपोजिट में किसका नाम है, कैश का नाम है, किसका नाम है, कैश का नाम है। तो नाम किसका यूज करेंगे हम लोग, कैश का नाम यूज करेंगे। यहाँ पे लिखना है टू कैश अकाउंट, डेट क्या है, 10, यहाँ पे क्या आएगा, मार्च,
मार्च का महीना है ठीक है, 2019 का ठीक है, सब ऊपर लिख देना ठीक है, सर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी ठीक है। चलो उसके बाद देखना है मुझे, चलो अब यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का हो गया। अभी कैश, कैश अकाउंट कहाँ पे है, क्रेडिट में है ना, तो कैश अकाउंट की क्रेडिट में लिखना है 5000। तो मैं यहाँ पे कैश अकाउंट की क्रेडिट में आ जाऊँ, तो कैश अकाउंट मेरे लिए ये है, क्रेडिट में लिखना है तो मैं क्रेडिट में लिखूंगा 5000 ठीक है, 5000। अपोजिट पे नाम किसका, डेट क्या है, 10 मार्च 2019। अपोजिट पे नाम किसका है, अपोजिट पे नाम है बैंक ऑफ इंडिया का, किसका नाम है, बैंक ऑफ इंडिया का। देखो कैश अकाउंट अब नाम किसका है, अपोजिट पे नाम किसका है, बैंक ऑफ इंडिया का, तो नाम किसका आएगा, बैंक ऑफ इंडिया का आएगा। बाय बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट ठीक है। तो 10 तक अपना फिनिश हो गया, 10 के बाद देखना है अभी। चलो 12 को क्या बोला गया है, फर्नीचर अकाउंट कहाँ है, डेबिट में, कितना, 20,000 से, तो फर्नीचर अकाउंट की डेबिट में हमें रिकॉर्ड करना है 20,000। तो चलो फटाफट आ जाओ फर्नीचर अकाउंट की डेबिट साइड में, तो फर्नीचर अकाउंट की डेबिट साइड में लिखना है मुझे 20,000, कितना, 20,000। डेट कितना है, 12 मार्च ठीक है, 12 मार्च 2019 ठीक है। तो मैंने लिख दिया, अब फर्नीचर अकाउंट के उसके अकाउंट में उसका नाम नहीं यूज होगा, तो उसके अपोजिट में रिवर्स में नाम किसका है, देखो फर्नीचर के रिवर्स में नाम किसका है, वर्मा का नाम है, तो नाम किसका आएगा, वर्मा का आएगा। तो फर्नीचर में नाम किसका आएगा, वर्मा का आएगा, तो लिखना है टू वर्मास अकाउंट ठीक है, कहानी खत्म। चलो तो डेबिट का आपने रिकॉर्ड कर दिया, अब वर्मा अकाउंट कहाँ पे, क्रेडिट में, कितना, 20,000 से, तो वर्मा अकाउंट की क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है मुझे, तो वर्मा अकाउंट की क्रेडिट में मैं आ गया, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 20,000, कितना, 20,000। डेट कितना रहेगा, 12 मार्च 2019। अपोजिट पे नाम किसका है, अपोजिट पे नाम किसका है, देखो 12 में अपोजिट में नाम किसका है, वर्मा के फर्नीचर का नाम है, तो नाम किसका आएगा, फर्नीचर का आएगा ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। चलो बाय फर्नीचर अकाउंट, समझ में आया यहां तक, कोई दिक्कत की बात यहां तक हो रही है आपको, नहीं ना, चलो श्योर है। चलो उसके बाद 12 तक हमारा फिनिश हो गया, उसके बाद देखना है 15 क्या बोल रहा है। देखो 15 क्या बोला है कि वर्मा अकाउंट कहाँ पे है, डेबिट में, कितना है, 8,000 से है, तो वर्मा अकाउंट की डेबिट में मुझे लिखना है 8,000। तो वर्मा अकाउंट में आ गया, डेबिट में है, तो डेबिट में मुझे लिख देना है 8,000 ठीक है। अब वर्मा अकाउंट डेबिट है, तो वर्मा अकाउंट के नाम में वर्मा अकाउंट तो यूज नहीं होगा, तो वर्मा अकाउंट की क्रेडिट पे किसका नाम है, देखो वर्मा अकाउंट की क्रेडिट पे किसका नाम है, वर्मा अकाउंट के अपोजिट में किसका नाम है, बैंक ऑफ इंडिया का, तो नाम किसका आएगा, बैंक ऑफ इंडिया ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया ठीक है, तो नाम किसका आएगा, वर्मा अकाउंट में बैंक ऑफ इंडिया का नाम आएगा। डेट कितना है, टू बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, क्या लिखा मैंने, टू बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, डेट कितना है, 15 मार्च 2019, 15 मार्च, कहानी खत्म ठीक है। चलो यहाँ पे कभी हुआ मेरा 15 तक का पूरा खत्म हो गया। चलो तो वर्मा था, डेबिट मिल गया, अब बैंक ऑफ इंडिया कहाँ पे, क्रेडिट पे, कितना, 8,000 से, तो बैंक ऑफ इंडिया के मुझे कहाँ पर लिखना है, क्रेडिट में लिखना है, बैंक ऑफ इंडिया के मुझे क्रेडिट में लिखना है, कितना, 8,000 ठीक है। डेट कितना है, 15 मार्च 2019। अपोजिट में नाम किसका है, अपोजिट में नाम किसका है, वर्मा का नाम होगा ना अपोजिट में, देखो बैंक ऑफ इंडिया का अपोजिट में नाम किसका है, वर्मा का नाम अपोजिट में है, तो मैं नाम किसका यूज करूंगा, वर्मा का यूज करूंगा, सही बात है, कोई दिक्कत। चलो बाय वर्मा अकाउंट, कहानी खत्म। चलो 15 तक हो गया मेरा, बराबर है। चलो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 17, 17 को क्या किया आपने, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस कहाँ पे है, डेबिट में, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस कहाँ पे है, डेबिट में, कितना, 200, तो प्रिंटिंग एक्सपेंसेस के डेबिट में मुझे 200 रिकॉर्ड करना है।
तो प्रिंटिंग एक्सपेंसेस कहाँ है मेरा, मिला। तो प्रिंटिंग एक्सपेंसेस के मुझे 200 रुपया डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, मैं रिकॉर्ड कर दिया। अब प्रिंटिंग एक्सपेंसेस में उसका नाम नहीं आएगा, तो उसके रिवर्स में नाम किसका है, उसके रिवर्स में नाम किसका है। देखो प्रिंटिंग एक्सपेंसेस के रिवर्स में नाम है किसका, कैश का। तो नाम किसका यूज करेंगे, कैश का यूज करेंगे, सही है। डेट कितना है मेरे लिए, ये प्रिंटिंग एक्सपेंसेस 17 मार्च 2019, नाम किसका आएगा, टू कैश अकाउंट का। ठीक है, कहानी खत्म हो गया। चलो उसके बाद देखना आगे का क्या फंडा है। चलो अब यहाँ पे देखो कैश कहाँ पे है, कैश क्रेडिट में है, कितने से, 200 से। तो कैश अकाउंट की क्रेडिट में हमें रिकॉर्ड करना है, तो कैश अकाउंट की क्रेडिट में हमें रिकॉर्ड करना है। तो कैश अकाउंट हमारा आ गया है, कैश अकाउंट की क्रेडिट में कितना, 200 रुपये रिकॉर्ड करना है। डेट कितना है मेरा, डेट कब है, देखो डेट है 17, शायद 17 है। अब यहाँ पे कैश अकाउंट की अपोजिट पे नाम किसका है, कैश अकाउंट की अपोजिट पे नाम है प्रिंटिंग एक्सपेंसेस का, तो नाम किसका आएगा, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस का नाम आएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे यूज करना है बाय प्रिंटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, कब ये 17 मार्च को, 17 मार्च को खत्म हो गया। तो 17 मार्च का भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पे क्या कर दिया, खत्म कर दिया है। ठीक है, 17 मार्च या 20 तारीख को क्या बोला है, कैश, कैश अकाउंट कहाँ पे है, डेबिट में, कितना, 200 रुपये। तो कैश अकाउंट डेबिट है 200 रुपये, तो मुझे यहाँ पे कैश अकाउंट की डेबिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कैश अकाउंट की डेबिट में मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया 200 रुपये। ठीक है, कैश अकाउंट के अपोजिट में नाम किसका है, कैश अकाउंट की अपोजिट में नाम किसका है, देखो कैश अकाउंट के अपोजिट में नाम किसका है, टू कमीशन का। तो नाम किसका आएगा, कमीशन का। ठीक है, तो नाम किसका आएगा, कमीशन का। डेट कितना है, 20 मार्च, 20 मार्च, नाम किसका आएगा, कमीशन का, क्योंकि अपोजिट में नाम किसका है, कमीशन का है। तो ये जो कैश आ रहा है वो का किसका आ रहा है, कमीशन का पैसा आ रहा है, खत्म। तो इस तरीके से आपका 20 तारीख का भी ट्रांजेक्शन हो गया। उसके बाद में देखो क्या है, 25 तारीख को क्या बोला गया है, कैश अकाउंट डेबिट कितने से है, 1,000 से है। तो कैश अकाउंट की डेबिट है मुझे 1,000 रिकॉर्ड करना है। तो कैश अकाउंट की डेबिट है मुझे क्या करना है, 1,000 रिकॉर्ड करना है। ठीक है, रिकॉर्ड कर दिया। अभी कैश की अपोजिट में क्या है, कैश की अपोजिट में क्या है, बैंक ऑफ इंडिया है ना। तो नाम किसका आएगा, बैंक ऑफ इंडिया का आएगा ना। डेट कितना है, 25 मार्च का है। नाम किसका आएगा, टू बैंक ऑफ इंडिया, उसके जो रिवर्स में नाम होगा उसका ही नाम आएगा। ठीक है, अकाउंट, कहानी खत्म। चल के बाद देखना है, डेबिट का तो हो गया, क्रेडिट में किसका नाम है, 25, क्रेडिट में नाम है बैंक ऑफ इंडिया का, कितना है, 1,000। तो बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट मुझे रिकॉर्ड करना है, तो बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट मुझे रिकॉर्ड करना है, बैंक ऑफ इंडिया। डेट कितना है, 25, क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है, कितना रिकॉर्ड करना है, 1,000। अपोजिट पे नाम किसका है, कैश का है, तो नाम किसका आएगा, कैश का, बाय कैश अकाउंट। ठीक है, समझ में आ रहा है अभी, अभी फटाफट करके बता रहा हूँ आपको। चलो फिर 28 को देखो, वर्मा अकाउंट कहाँ पे है, डेबिट में, कितने से, 12,000 से है, कितने से है, 12,000 से है। तो वर्मा अकाउंट के डेबिट मुझे 12,000 लिखना है, वर्मा अकाउंट मिल गया मुझे, वर्मा अकाउंट डेबिट में कितना लिखना है मुझे, 12,000 लिखना है, कितना लिखना है, 12,000। डेट कितना होगा, 28 मार्च, मैंने 12,000 लिख दिया। ठीक है, अब ये जो 12,000 लिख दिया, ये इसके अपोजिट में नाम किसका है, अपोजिट में नाम किसका है, देखो अपोजिट में नाम किसका है, कैश का है और डिस्काउंट का है, क्या है, कैश का और डिस्काउंट का, कैश का है और डिस्काउंट का है। ठीक है, तो वर्मा अकाउंट में आना है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है, इसको मैं रफ करके मैं बता रहा हूँ, कैश अकाउंट और किसका नाम है, डिस्काउंट का नाम है, किसका नाम है, डिस्काउंट का नाम है। ठीक है, चलो तो टू कैश अकाउंट और किसका नाम है अपोजिट में, डिस्काउंट का नाम है, तो टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, दोनों का नाम क्या अपोजिट में है। तो कैश कितना था मेरे लिए, 11,500, और डिस्काउंट कितना है मेरे लिए, 500। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी आगे देखेंगे। ठीक है, वर्मा का तो हो गया, अभी कैश अकाउंट कहाँ पे है, क्रेडिट में, कितना, 11,500 से। तो कैश अकाउंट क्रेडिट में है, तो कैश अकाउंट की क्रेडिट मुझे लिखना पड़ेगा ना,
तो कैश अकाउंट मेरे लिए मिल गया, क्रेडिट में है तो लिखना पड़ेगा क्रेडिट में कितना है, 11,500। अब इसके अपोजिट पे नाम किसका है, कैश अकाउंट की अपोजिट पे नाम किसका है, कैश अकाउंट की अपोजिट पे नाम है किसका, वर्मा का। तो नाम किसका आएगा, वर्मा का आएगा, नाम किसका आएगा, वर्मा का आएगा। ठीक है चलो, ठीक है ना, चलो नाम किसका आएगा, बाय वर्मा अकाउंट। ठीक है, डेट कब होगा, 28 का है, मार्च का है। ठीक है, बाय वर्मा अकाउंट। ठीक है, उसके बाद देखो कैश का भी हो गया, फिर क्या बोला है, टू डिस्काउंट, डिस्काउंट भी कहाँ पे है, क्रेडिट में, कितना, 500 रुपया। तो डिस्काउंट अकाउंट में जाना है आपको, डिस्काउंट अकाउंट में जाना है। ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट में आ गया, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में आएगा, तो लिखना है बाय, अपोजिट पे नाम किसका है, वर्मा का है ना, डेबिट में एक ही नाम है वर्मा का, तो वर्मा का ही आएगा, बाय वर्मा अकाउंट 500। कभी होगा ये, 2019 28 मार्च। ठीक है, देखो कैसे किया मैंने, बता रहा हूँ मैं आपको, देखो 28 में आ जाओ पहले, 28 में ये कहाँ पे था मेरा, डिस्काउंट क्रेडिट में था, तो मैं डिस्काउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड किया, बट इसके रिवर्स में नाम किसका है, डेबिट का, वर्मा का, तो वर्मा का नाम आएगा। कहानी खत्म हो गया 28 तारीख का भी। उसके बाद देखो लास्ट वन क्या बोला है, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे है, डेबिट में है, कितना है, 500 रुपया है, तो एडवर्टाइजमेंट के डेबिट में रिकॉर्ड करना है 500। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है मुझे 500, तो मैं एडवर्टाइजमेंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया 500 रुपये। ठीक है, डेट कितना है, 30। अपोजिट पे नाम किसका है, एडवर्टाइजमेंट के, एडवर्टाइजमेंट के अपोजिट पे नाम किसका है, रिवर्स में कैश, तो नाम किसका आएगा, कैश अकाउंट का नाम आएगा। ठीक है, तो लिखना है टू कैश अकाउंट, कहानी खत्म। चलो उसके बाद देखना है लास्ट वन, एकदम एंडिंग का है, क्या है, कैश, कैश कहाँ पे है, क्रेडिट में, कितना, 500 से, तो कैश अकाउंट की क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है मुझे 500, तो कैश अकाउंट की क्रेडिट में वो रिकॉर्ड करना है, कैश अकाउंट की क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है 500। ठीक है चलो, कभी का है 30 का, सामने वाले का नाम क्या है, अपोजिट पे नाम किसका है, अपोजिट पे नाम है एडवर्टाइजमेंट का, तो नाम किसका आएगा, एडवर्टाइजमेंट का नाम आएगा। चलो सब हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत, अब जितने भी मेरी पोस्टिंग थे मैंने सब कुछ कर दिए ना, कोई पोस्टिंग बच रहेगा यहाँ का, यहाँ पूरा मैंने रिजर्व में प्रिपेयर कर दिया, मैं सबका अपना एक घर बना दिया, सबका अपना एक घर बना दिया, उस घर के अंदर सभी को शिफ्ट कर दिया, उनके पूरे फैमिली को मैंने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, सही बात है। चलो अब क्या करना है, हमें टैली करना है, तो सबसे पहले टैली करेंगे हम लोग विराट का कैपिटल अकाउंट, विराट का कैपिटल अकाउंट में टैली करूंगा, तो बाय कैश फर्नीचर कितना हो गया, 67,000, तो टोटल करेंगे कितना आएगा, 67,000। यहाँ पे कुछ नहीं है, तो बड़ा जो है वही आपको दोनों तरफ लिखना है, तो जो बिग अमाउंट होगा वही आपको दोनों तरफ लिखना है, तो 67,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, बैलेंस को कैरी डाउन करोगे ना, तो 2019 कभी 31 मार्च, दूसरे दिन क्या करो, 31 मार्च को, क्योंकि 30 तारीख का हमारा ट्रांजेक्शन हुआ ना, अब 30 के 31 तारीख को अब क्या करोगे, बैलेंस डालोगे ना टैली करने के लिए, तो टू बैलेंस कैरी डाउन कितना, 67,000 डाला, तो टैली होगा। अब जो आपने यहाँ पे बैलेंस डाला वो क्या करोगे, आप 1 अप्रैल को क्या करोगे, ब्रॉक डाउन करोगे, 1 अप्रैल को क्या करोगे, उसी को बैलेंस जो डाला है आपने इसको क्या करोगे, ब्रॉक डाउन करोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब अभी भी आपके पास 67,000 का पैसा बचा है, 67,000 का कैपिटल है। अभी अगर आपको कोई पूछेगा कि विराट का कैपिटल कितना है, तो आपने अकाउंट खोला विराट का, आपको सामने दिख गया कि अभी भी आपके पास 67,000 विराट का सेफ बचा हुआ है, सही बात है, इस तरीके से लेजर होता है। ठीक है चलो, अब बात करेंगे कैश का, तो कैश अकाउंट आपको यहाँ पे टैली करना है, तो देखो 5,000 12 पास कितना हो गया, 12 पास 17,200। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 50,000 है, तो सिंपल सी बात है ना भाई, बड़ा कौन सा होगा, ये साइड बड़ा होगा, तो जो बड़ा साइड होगा आपको पहले वही टैली करना है, तो 50 फिर 51 फिर 51,200 कितना हो गया, 51,200। यहाँ पे मैं लिखूंगा 51,200, जो बड़ा है वो दोनों तरफ आपको लिखना है, जो बड़ा है वो आपको दोनों तरफ लिखना है। ठीक है, जो बिग अमाउंट है वही आपको दोनों तरफ लिखना है। ठीक है, ये थोड़ा पेज भर गया है, मैं एक छोटा सा कॉलम बनाऊंगा इसके लिए, ठीक है, करने के लिए, ठीक है, इतने में मेरा हो जाएगा। ठीक है तो चलो, पहला डेट, ठीक है, पर्टिकुलर्स ZF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स ZF अमाउंट, ठीक है चलो, तो यहाँ पे जो बड़ा कितना है, ये कितना मैं यहाँ पे करूँगा, 51,200,
मैं यहाँ पे लिखता हूँ 51,200। यहाँ जो बड़ा है वही दोनों साइड दोनों तरफ वही अमाउंट आएगा, जो बड़ा रहेगा वही आएगा। अब 51,200 में से आपको इसको लेस करना है, कितना है देखो 12 5 17, 17,200 रुपया लेस करोगे कितना बचेगा 34,000, कितना बचेगा 34,000, करके देखना है। चलो मैं करके दिखाऊँ आपको, चलो यहाँ पे कितना बचेगा 34,000, क्या बचेगा 34,000, एक बार आप देख लो यही बच रहा है कि नहीं। ठीक है, इसको क्या बोलोगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि आप बैलेंस डाल रहे हो टैली होने के लिए, तो क्या लिखोगे कैरी डाउन। कभी करोगे 31 मार्च को करोगे 2019 में, जो आपने यहाँ पे कैरी डाउन किया वो क्या करोगे, 1 अप्रैल को आप क्या करोगे ब्रॉक डाउन कर लोगे यहाँ पे। तो अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉक डाउन, जितना आपने डाला उतना आप यहाँ पे क्या करोगे ब्रॉड डाउन करोगे, मतलब अभी भी आपके पास 34,000 क्या है बचा हुआ है, अभी भी आपके पास क्या है 34,000 है। ठीक है, चलो तो कैश का भी हो गया इस तरीके से। अब करना है मुझे बैंक ऑफ इंडिया का, तो बैंक ऑफ इंडिया का 7 5 12 12 और वो 9, तो बड़ा कौन सा है 12,000 बड़ा रहेगा ना, तो दोनों तरफ क्या आएगा, दोनों तरफ आपको लिखना है 12,000, क्योंकि बड़ा 12,000 है, तो दोनों तरफ कितना आएगा 12,000 आएगा। 12 में से 8 गया 9 गया, 8 और 9 9 गया कितना 10 11, 3,000 बचेगा, तो 3,000 जो बचेगा उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। कभी करोगे ये 31 मार्च को करोगे। ठीक है, अब यही क्या होगा 1 अप्रैल को क्या होगा, 1 अप्रैल को क्या होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा, जो आपने कैरी डाउन किया वही क्या करना है आपको ब्रॉट डाउन करना है, डबल मार्क मार के 3,000, 3,000 डाला था आपने तो 3,000 आपने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब बारी आई किसकी, फर्नीचर अकाउंट की, तो फर्नीचर में तो भाई उधर कुछ है ही नहीं ना, तो यही साइड बड़ा होगा कितना 10 और 20, कितना हो गया 30,000, यहाँ पे मुझे लिखना है 30,000। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कितना आएगा 30,000 ही आएगा, यहाँ पे क्या करोगे डालना पड़ेगा, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 30,000, क्या करोगे कैरी डालोगे बैलेंस, कभी डालोगे 31 मार्च को डालोगे 2019 को। अब ये सेम क्या होगा 1 अप्रैल 2019 को क्या होगा, 2019 को 1 अप्रैल को क्या होगा ब्रॉड डाउन, तो लिखना है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना 30,000, जितना आपने कैरी किया उतना ही आपको क्या करना है ब्रॉड डाउन करना है, कहानी खत्म। चलो उसके बाद क्या आएगी, परचेज अकाउंट की बात आएगी, तो परचेज भी सेम कुछ है ही नहीं ना बच्चों, 9,000 है, यहाँ पे कितना आएगा 9,000, यहाँ पे कितना आएगा सिर्फ 9,000 आएगा, यहाँ पे क्या लिखोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि आपको पता है कि डेबिट में 2 लगता है, क्रेडिट में आपको बाय लगाना है। ठीक है, पूरा पूरा आप क्या करोगे बैलेंस को कैरी डाउन करोगे, डेट क्या होगा मेरे लिए 31 मार्च 2019। अब ये सेम यही बैलेंस क्या होगा दूसरे दिन, मैंने 1 अप्रैल को क्या होगा ब्रॉड डाउन होगा, 1 अप्रैल को क्या हो जाएगा 2019 को ब्रॉड डाउन, तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना सेम जितना डाला है उतना पूरा यहाँ पे ब्रॉड डाउन हो जाएगा। चलो उसके बाद बारी आएगी रोहित अकाउंट की, तो रोहित अकाउंट में भी आपको कुछ यहाँ पे ज्यादा कुछ खास दिया है, सिर्फ 9,000 दिया है, ये भी आपको इसी टैली करना है, सेम 9,000 जो बड़ा है वो दोनों तरफ आएगा 9,000। ठीक है, चलो 9,000 अब यहाँ पे क्या लिखोगे डालना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा टू बैलेंस कैरी डाउन कितना 9,000, कब डालोगे ये 31 मार्च 2019। अब यही सेम क्या हो जाएगा 1 अप्रैल को क्या हो जाएगा ब्रॉड डाउन हो जाएगा, तो 1 अप्रैल को क्या हो जाएगा ब्रॉड डाउन, तो लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, कितना 9 का 9,000 पूरा, कहानी खत्म। चलो उसके बाद सुनील अकाउंट, यहाँ पे कितना है सेल्स, कितना है 4750 का सेल्स है, तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे सेम वही टैली करना है आपको 4750, यहाँ पे कितना होगा 4750, यहाँ पे क्या करोगे डालोगे बैलेंस, क्योंकि टैली करना है आपको, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन कुछ नहीं डालना पड़ेगा ना 4750, डेट क्या आएगा 31 मार्च को डालोगे 2019 में, यही क्या होगा 1 अप्रैल को क्या होगा ब्रॉड डाउन होगा 1 अप्रैल
बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, क्या हो गया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 4750, कहानी खत्म। सेल्स का भी सेम वही से, कितना है, 4750 है, तो सेम दोनों तरफ उतने लिखना है आपको, 4750, यहाँ भी वही आएगा सेम आपके लिए, 4750, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, डालोगे बैलेंस, तो लिखना है टू बैलेंस कैरीड डाउन कितना, 4750, कभी डालोगे ये 31 मार्च को, 31 मार्च 2019 को, यही क्या होगा अगले दिन 1 अप्रैल को क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन, तो 1 अप्रैल को क्या हो जाएगा, टू सॉरी बाय, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 4750, तो 4750 क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन हो जाएगा, ठीक है। सेम फिर क्या है वर्मा अकाउंट का, तो वर्मा में देखो यहाँ पे कितना है, 8 गया 20,500, वहां पे कितना है, 20,000 है, तो बड़ा कौन सा होगा, 20,500 बड़ा होगा कि 20,000 बड़ा होगा, बताओ मुझे फटाफट, कौन सा अकाउंट है, वर्मा अकाउंट है, ठीक है, तो वर्मा अकाउंट 20,500 बड़ा है कि 20,000 बड़ा है, बताओ मुझे, 11,500 प्लस 500 कितना हो गया, 12, 12 और 8 कितना हो गया, 20, यहाँ भी कितना है 20, पता भी क्या हो गया, टैली हो गया ना, कहानी खत्म हो गया ना, यहाँ पे कितना आएगा 20,000, यहाँ पे भी कितना है 20,000 है, तो यहाँ पे ना कुछ आप डालोगे ना कुछ आप लोग ड्रॉप डाउन करोगे, ठीक है, ना तो आप क्या करोगे कैरी डाउन करोगे, ना तो यहाँ पे क्या करोगे आप लोग ड्रॉप डाउन करोगे, सही बात है, कोई दिक्कत, यहाँ तक खत्म हो गया कहानी। चलो अब बात करेंगे प्रिंटिंग का, प्रिंटिंग का यहाँ पे कितना है, 200 रुपया है, तो 200 मैंने लिख दिया, यहाँ पे कुछ है नहीं है, तो 200 पूरा लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, फिगरिंग करने के लिए क्या करोगे, बैलेंस कैरिड डाउन लिखोगे, डालोगे पैसा, डाल दिया 200, कब डालोगे, 31 मार्च को डालोगे, 31 मार्च 2019 को, जो आपने पहला पैसा यहाँ पे डाला है वही क्या होगा, 1 अप्रैल को क्या होगा, ब्रॉट डाउन होगा, तो 1 अप्रैल को क्या होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 200, तो 200 को 200 यहाँ पे क्या होगा, ब्रॉट डाउन हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद क्या बोला है, कमीशन कितना है इधर पे, 500, तो यहाँ पे कितना आएगा, 500, यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं, तो यहाँ पे कितना आएगा, 500, यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, तो लिखोगे टू बैलेंस कैरी डाउन कितना, 500 डाल दिया, ठीक है, कब डालोगे आप, 31 मार्च को डालोगे, 31 मार्च 2019, सेम जो पैसा आपने डाला है वो क्या होगा, 1 अप्रैल को क्या होगा, 1 अप्रैल को क्या होगा, ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, 500, कहानी खत्म। चलो फिर क्या है, डिस्काउंट, अभी डिस्काउंट में हमने यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं, डिस्काउंट में हमारा पास था ना क्या था, 500, डिस्काउंट में हमारा 500 रुपया था ना, तो हमें यहाँ पे डिस्काउंट में लिखना है कितना, 500 रुपया यहाँ पे लिखना बाकी था, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो डिस्काउंट का हमारे पास एंट्री है, देखो कहाँ है, ये देखो ये डिस्काउंट कहाँ पे है, मेरे पास क्रेडिट पे है ना डिस्काउंट, ये डिस्काउंट कहाँ पे कितना है, 500 रुपये से क्रेडिट पे है ना, तो ये मैं डिस्काउंट में लिखा नहीं था, मैं लिख दूंगा फटाफट। चलो तो मैं यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट में आ जाऊँ, चलो यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट में आगे लिखना है बाय, सामने वाले का नाम किसका है, डेबिट पे नाम किसका है, डेबिट पे नाम है वर्मा का, तो वर्मा अकाउंट आएगा कितना, 500 रुपये, ठीक है। डेट कितना है, देखो डेट देख लेते फटाक से एक बार, डेट 28 कितना है, डेट 28 मार्च, 28 मार्च 2019, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, कितना क्या है, 500, इधर भी कितना आएगा, 500, यहाँ पे कुछ नहीं, तो क्या करना होगा, डालना पड़ेगा, तो टू बैलेंस कैरी डाउन कितना, 500, ठीक है, कब डालोगे आप, 31 मार्च को डालोगे, 31 मार्च 2019, सेम यही पैसा क्या होगा, 1 अप्रैल को क्या होगा, ब्रॉट डाउन होगा, तो यहाँ पर लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, 500 क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 500 रुपये आपके लिए ब्रॉट डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कहानी खत्म हो गया। चलो उसके बाद लाड है एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे कितना है, 500 है, यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं है, क्या आएगा, 500 ही आएगा, यहाँ पे क्या करना होगा आपको, बैलेंस कैरी डाउन करना होगा, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, कैरी डाउन का मतलब होता है बैलेंस डालना, कैरी डाउन का मतलब होता है बैलेंस डालना, ब्रॉट डाउन का मतलब होता है पैसा ले लेना, ठीक है। चलो तो यहाँ पे मैं डाल दिया 500 रुपया, ठीक है, डेट क्या आएगा मेरे लिए, 31 मार्च 2019,
यही सेम पैसा क्या होगा हमारे पास, 1 अप्रैल को क्या होगा, ब्रॉट डाउन होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 500 रुपया। सही है, समझ में आया। तो आई होप कि जो लेजर था साथ ही साथ हमारा जो जनरल था वो आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जो भी मैंने आपको ट्रिक्स दिए आपने ट्रिक्स को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किया होगा, और आई होप कि आपको लेजर और जनरल में आप जो भी डिफिकल्टीज थे, जो भी डाउट्स थे, सारे क्लियर हो गए होंगे। किस तरीके से लेजर करना होता है, किस तरीके से जनरल प्रिपेयर करना हो, इस वीडियो में मैंने आपको दोनों करके दिखाया, और हमारा सम भी क्या हुआ, राइट से आया। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, अपने सारे दोस्तों में शेयर करना, और वीडियो को प्यार जरूर देना, हमारी मेहनत को, हमारे स्ट्रगलिंग को, थोड़ा सा एफर्ट के लिए एक आपका कमेंट जरूर बनता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना।